आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान महेश जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। इनका प्रश्न जुड़ा हुआ है सुड लाइफ के आयुष्मान प्लान से। अगर आप लोग भी सुड लाइफ के आयुष्मान प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, सुड लाइफ के आयुष्मान प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको पता ही है कि चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है। बहुत सारे टॉपिक हम कवर करते हैं आप ही लोगों के सुझावों के अनुसार, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और वीडियो अपने अनुसार उचित समय पर पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहना। उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि उस समय पता लगता है कि आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के अनुसार वीडियो आए। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। सुड लाइफ यानी कि स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो आयुष्मान प्लान है, उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू को लेके हमें ये पता लगता है कि ये जो प्लान इनिशियल स्टार्टिंग ईयर में जिन्होंने लिया होगा, वो कम से कम 3 साल पे करने के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। और जिन्होंने प्लान को मार्केट से विड्रॉ होने से पहले कुछ सालों में लिया होगा, तो वो 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद में सरेंडर कर सकते हैं। तो 2 से 3 साल प्रीमियम अगर पे कर लिया है, तो जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू से निकालने के लिए जितना भी आपने टोटल बेस प्रीमियम पे कर लिया है, उसमें आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करेंगे। फिर उसमें आपको ऐड करना होगा वेस्टेज गारंटेड एडिशन के साथ में, वेस्टेज रिवर्सनरी बोनस को जोड़ेंगे, उसमें आप बोनस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगा। किस तरीके से? मान लो कि श्रीमान ने है, जिनकी आयु 40 साल की है, उन्होंने सुड लाइफ का आयुष्मान प्लान लिया और सम अश्योर्ड लिया 3 लाख रुपए का। प्लान में जितने साल का पॉलिसी टर्म है, उतने ही साल का पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म है। हमने माना कि 15 साल का पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो सालाना 28,497 रुपए का वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि श्रीमान ने 5 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में प्लान कहता है कि पॉलिसी के शुरुआत के जो 5 साल है, उसमें सम अश्योर्ड का 3-3% हर 5 साल, मतलब जो पहले 5 साल है उन पे हर एक साल में पॉलिसी में गारंटेड एडिशन इकट्ठा होता रहेगा। हम यहाँ पे 3 लाख का 3% निकाल के 5 का गुणा कर देंगे, 45,000 रुपए का अक्योर्ड गारंटेड एडिशन हो जाएगा। ये पॉलिसी में जुड़ा रहता है, मिलता नहीं आपको, ये मिलता है मैच्योरिटी पे या डेथ केस में। अब 5 साल के अंदर जो टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा, उसे निकालने के लिए 28,497 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 1,42,485 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा। अब जो प्लान के अंदर सिंपल रिवर्सनरी बोनस है, वो पॉलिसी के 6 साल से मिलना चालू होता है, टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म तक मिलता है। तो इस वजह से जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट है, यहाँ पे निल हो जाएगा, क्योंकि हम 5 साल कंप्लीट होने पे सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए 1,42,485 का 50% निकालेंगे, जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है। और जो गारंटेड एडिशन, उसमें हमने यहाँ पे बोनस फैक्टर का गुणा कर दिया, तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आई 89,908 रुपए कुछ पैसे। ठीक है, अब हम वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे, जिससे कि हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर और बोनस फैक्टर को समझ पाएं। तो देखिए, गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की हम बात करें, तो 15 साल का हमारा यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, हमने यहाँ पे 5 साल कंप्लीट किए हैं, तो 50% का हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आया, जो टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई हो गया। अब इधर बोनस फैक्टर के टेबल में हम देख रहे हैं पॉलिसी मंथ लिखा हुआ है, 5 साल इज इक्वल टू 60, मतलब कि 5 ईयर इज इक्वल टू 60 मंथ होते हैं ना, राइट? तो 60 महीने ही कंप्लीट हुए हैं, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 0.4148 का हमारा यहाँ पे बोनस फैक्टर हुआ था, जो हमने गारंटीड एडिशन में मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मान लो कि श्रीमान ये जो है पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर करते, तो ऐसे में जो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम हो जाता 28,497 रुपए की दर से, वो 2,84,970 रुपए का होता, और गारंटीड एडिशन तो उतना ही रहता है 45,000 रुपए का, राइट? अब 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट रहा है इसका, वो 2.75% रहा है, वो 5 सालों के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि पहले 5 साल नहीं मिल रहा है, 10 साल कंप्लीट हो गए, यानी कि 5 साल मिल गया। तो सिंपल रिवर्सनरी बोनस रेट किस पे अप्लाई किया जाता है? सम अश्योर्ड के ऊपर। तो सम अश्योर्ड का 2.75% निकाल के उसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, सम अश्योर्ड का 2.75% निकाल के हमने उसमें 5 का गुणा किया, क्योंकि बाकी के जो 5 साल थे उसमें हमें मिला, तो 41,250 रुपए का ये हमारा वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हुआ। अब वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस को हम यहाँ पे जोड़ देंगे किस में? अक्योर्ड गारंटीड एडिशन में। अब अक्योर्ड गारंटीड एडिशन में जोड़ देंगे, तो 86,250 रुपए का ये अमाउंट हो जाता है। अब जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं कि अगर 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो 70% का गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा, जो हमारे टोटल पेड प्रीमियम जो है 2,84,970 में उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वहीं 10 साल का मतलब हो गया 120 महीने, तो
तो 15 साल पॉलिसी टर्म है, 120 महीने कंप्लीट होने पे 0.6306 का हमारा बोनस फैक्टर हो गया, जिसका गुणा हमने 86,250 में कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, 2,53,868 रुपए कुछ पैसे का अमाउंट ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि बोनस नहीं मिला है तो कैसे और बोनस मिल रहा है तो किस तरीके से। ठीक है, बात आती है लोन की, तो सरेंडर वैल्यू का 70% तक लोन आपको मिल सकता है। जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.5% का, जो कि फिक्स नहीं है, समय अनुसार बदलता रहेगा। अब अगर आप शुड लाइफ के आयुष्मान प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में बेनिफिट को जानना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लिंक आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देखेंगे तभी आपको इस प्लान की सरेंडर वैल्यू, बेनिफिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल मिल पाएगी। बाकी और कुछ इस प्लान से संबंधित आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और जानकारी क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और देखिए, पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर